हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो कि रिलेटेड है एसएससी का। ठीक है, ये एग्जाम आपका एसएससी सीपीओ द्वारा कंडक्ट किया गया है। ये आपका 11 नवंबर का एग्जाम है जो कि शिफ्ट 3 का एग्जाम है, शिफ्ट 3 3rd का। तो इसमें हमने क्या किया था, 17 क्वेश्चन कर लिए थे किसके, मैथ के। ठीक है, पिछली वीडियो में मैथ के 17 क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना जो 18 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 17 क्वेश्चन कल कंप्लीट कर लिए थे पिछली वीडियो में, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो स्टार्टिंग करते हैं 18 क्वेश्चन से। क्या बोला कि अंकिता मैनुस्क्रिप्ट को 20 दिन में लिखती है और अंकिता की फ्रेंड्स जो मैं उसी को 12 दिन में लिखती है। अच्छा, अलोंग हर, मतलब क्या बोला कि दोनों साथ में लिख के वो 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बोला कि सौम्या अकेली उसको कितने दिन में लिख देगी उस। ठीक है, तो हमें ये चेक कराना है। तो आप क्या करो, अंकिता है और अंकिता के साथ कौन है, सौम्या है। ठीक है, इन दोनों का क्या क्या है, 20 दिन में ये कर देंगी और ये आपका 12 दिन में। तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि यहां पर हम दिन लिखते हैं, ओके, इस साइड हम एफिशिएंसी लिखते हैं, राइट, और बीच में जो लिखते हैं वो आपका पूरा काम लिखते हैं, वर्क कितना होगा। और ये वर्क जो होता है दिनों का एलसीएम, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एफिशिएंसी का भी एलसीएम लिख सकते हैं, दिन का भी एलसीएम लिख सकते हैं, ये आपका वर्क आ जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप देखोगे तो 60। अगर ए 20 दिन में 60 के 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, और वो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी एक दिन वाला का, तो ये आपका 3 एक दिन में 3 करेगा। ठीक है, अब दोनों मिलके ये 12 दिन में काम खत्म करेंगे, तो ये मतलब दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 5, राइट, ओके। अब एफिशिएंसी आई है तो एफिशिएंसी ऑफ सौम्या कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ सौम्या कितनी है, सौम्या बोला कि 5 में से 3 को माइनस कर दो, क्योंकि ये एफिशिएंसी जो है वो दोनों की मिलके है ना, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 5 माइनस 3 कर देंगे तो 2 आ जाएगी। ठीक है, अब 2 आ गई एफिशिएंसी, 2 आ गई। ठीक है, तो दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी करते हैं। ठीक है, और फार्मूला देख लो, वर्क को हम जब डिनोट करेंगे तो वो क्या करेंगे, टाइम इंटू एफिशिएंसी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहां पर पूछा कि दिन निकालने तो क्या करेंगे, वर्क, वर्क कितना अपना 60 और एफिशिएंसी कितनी इसकी 2, तो सोमवार कितने दिन में कंप्लीट कर देगी, 30 दिन में इसको कंप्लीट कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको ये बोला कि वैल्यू फाइंड, वैल्यू पुट करनी और आपको आंसर आ जाएगा सीधा, एक्स ही तो पूछा है। ठीक है, बोला कि 1045, 1045 कितना होता है, आपको पता होगा 1, प्लस 660, 660 आपको पता होगा 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि किसी टेस्ट में +5 नंबर मिलते हैं करेक्ट आंसर के और -2 नंबर मिलते हैं इनकरेक्ट के। ठीक है, अब जे ने आंसर दिए सभी क्वेश्चन के और उसको स्कोर हुआ -12 नंबर। ठीक है, इसने सारे क्वेश्चन सोल्व किया और -12 नंबर लेके आ चुका है। ठीक है, और बोला कि ही गोट 4 करेक्ट आंसर, उन्होंने उसने 4 करेक्ट आंसर बोले हैं और इनकरेक्ट कितने किए हैं वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो, अगर उसने 4 करेक्ट किए हैं, अगर वो करेक्ट करता 4 के 4, तो उसे टोटल नंबर कितने मिलने थे, 5 प्लस के, एक क्वेश्चन +5 तो 4 क्वेश्चनों के कितने हो जाएंगे, 20। ठीक है, राइट, अब ये दोनों मिलाए, यहां पर हम करेक्ट लिख देंगे और यहां पर इनकरेक्ट लिख देंगे। इनकरेक्ट मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चन गया, तो मैं एक्स लिख देता हूं। ठीक है, और उसको उसके कितने नंबर मिलेंगे, -2 मिलेंगे, और टोटल मिला के कितने आ गए, दोनों मिला के नंबर -12, तो 20 प्लस, ये सॉरी, -2x = -12, 20 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x = -12 -20, तो -2x = -32। अगर ये आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो 16 क्वेश्चन उसने क्या किए, इनकरेक्ट किए। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक सम है जो कि बन जाता है इतना 2 साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रेट आपको 4% दे रखी है। अगर इसने 4% रेट दे रखी है, 4% रेट, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/25 होगा। ठीक है, अगर 25 इसका प्रिंसिपल 1 साल के लिए, 25 इसका प्रिंसिपल 1 साल के लिए, तो उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, क्योंकि प्लस वन कर देंगे। सेम चीज अगर ये सेकंड साल के लिए भी सेम इतना है, तो ये सेकंड साल का इंटरेस्ट भी इतना होगा, और दोनों को मिलाएंगे तो टोटल सम कितना है? 625 मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 676। राइट, अब इस 676 की वैल्यू ये दे रखी है आपकी, ये अपना क्या होता है? इस साइड आपका अमाउंट होता है, राइट, इस साइड आपका प्रिंसिपल होता है, या फिर सम होता है। तो इस साइड आपका अमाउंट कितने दे रखी है? 7436। 7436, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई किया होगा इसने? तो आप देखोगे, डिवाइड करके देखो तो 11 से मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, तो सेम चीज हम क्या करेंगे, इधर 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 11 5 55, 11 2 22, और 5 27, 11 6 72, सॉरी 66, और 2 68। 6875 आपका क्या जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप देखोगे तो यहां परसेंटेज नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, कई बार क्या होती है, अगर हम ऊपर वाले कंडीशन को नहीं पढ़ेंगे तो परसेंटेज को भूल जाएंगे, और सीधा साधा आपका आंसर आज निकाल लेंगे, तो ऐसा मत करना। तो बोला कि अप्रोक्सीमेशन परसेंटेज बतानी है, नंबर कितने आए टी के सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो टी के सभी सब्जेक्ट निकालने, तो ये सारे परसेंटेज में है। ठीक है, ये सारे परसेंटेज में है, मतलब क्या बोला है कि 80 नंबर का टेस्ट है, उसमें से 65% नंबर आए, तो 80 का 65% कितना होता है? आप निकालोगे तो इसको 52, तो 52 नंबर पहले टेस्ट में आ गया। ठीक है, 60, 150 का 60% कितना होता है? 90, 100 का 45% कितना होता है? 45, 75 का 88% कितना हो जाएगा? 75 का 88% कितना हो जाएगा? ये आपका 66। ठीक है, 75 का 80%, 120 का 50% कितना हो जाएगा? 60, और 50 का 42% कितना हो जाएगा? सॉरी, 50 का 42% 21 होगा भाई। ठीक है, बस इनको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 5 7, और 7 7 14। ठीक है, और 10 20, और 30, और 3 33, 334 नंबर आए हैं। 334 नंबर कितने में से? ये आप मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऐड कर लो, 150 और 50, 100 200 300 और 80 और 120, 200 200 200 200 और 300 500, 575, 334 नंबर आए हैं 575 में से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो लगभग कितना जाएगा? ये 6 पे नहीं जाएगा भाई, तो लगभग 6 के लगभग ही आएगा, 60 के लगभग आएगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे ही जाएगा, 60 से थोड़ा नीचे जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, तो 60 से थोड़ा सा नीचे कौन सा? 58 आपका क्या जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको सोल्व भी करना चाहो तो आप सोल्व कर सकते हो। 334, 334 बटे 575 हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 120 किलोमीटर जाना है, तो 60 किलोमीटर गए 60 की स्पीड से, मतलब अब की बार इसने क्या किया, डिस्टेंस को अलग अलग डिवाइड कर दिया, और 30 किलोमीटर भी 60 की स्पीड से, और 30 किलोमीटर 30 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। तो
पीछे कुछ क्वेश्चन पहले आया था कि एवरेज स्पीड निकालेंगे, मैंने अच्छे से डिटेल किया था वहां पर। 120 टोटल डिस्टेंस है राइट, और डिस्टेंस के नीचे हम टाइम रखेंगे जब भी, तो शायद स्पीड आएगी आपकी ठीक है। और टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 60/60 कितना हो जाएगा, ले कर देता हूँ मैं 60/60, इधर आएगा प्लस में, ये आपके टाइम ऐड हो रहे हैं 30 किलो, अगला 30 किलोमीटर 60 की स्पीड से प्लस 30 किलोमीटर 30 की स्पीड से ठीक है। इसको सोल्व कर दो, आपका 120, 60 से 60 गया 1, 30 से 30 गया 1, तो ये 2 बना लूँ मैं, और 1/2, 1/2। अब इसको सोल्व कर लो, 2 ऊपर आ जाएगा, क्यों एलसीएम लेंगे तो फिर ये 5 बन जाएगा एलसीएम से ठीक है, और 2 ऊपर आ जाएगा, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 से 2 नहीं 5 चौके 24 गुना 2 कितना आ जाएगा, 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एलिजाबेथ स्टोर से फर्नीचर ले रही है और परचेज किया है एक स्टडी टेबल ठीक है। बोला कि उसने 20% डिस्काउंट दिया उस पर ठीक है, उस पर 20% डिस्काउंट दिया, और बोला कि वो 1,000 रुपये ज्यादा बचा लेती कब, अगर उसको 25% डिस्काउंट मिलता। आपको सबसे पहले हिंट यहीं पर मिल चुकी है कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, मार्क प्राइस क्या होगा, तो मार्क प्राइस हम 100% मान लेते हैं ठीक है। तो फर्स्ट टाइम बोला कि 20% दिया, तो इसका मतलब 80%, 80% में उसको दिया गया होगा। अब उसने बोला कि अगर वो 75% मिल जाता, अगर ये 75% मिल जाता तो 1,000 रुपये ज्यादा बचा लेती ठीक है। तो इसका मतलब इसका डिफरेंस बोल रहा है कि 1,000 रुपये इन दोनों का डिफरेंस है, तो 5% का वैल्यू कितनी होगी आपकी, 5% की वैल्यू कितनी होगी 1,000 ठीक है। और 5% की वैल्यू हो गई 1,000, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 ठीक है। और मार्क प्राइस बोला, तो मार्क प्राइस हमने 100 माना, तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, जो कि कितनी आ जाएगी 20,000, क्योंकि 200 से मल्टीप्लाई किया राइट। इधर इधर हमने 5 से डिवाइड किया ठीक है, डिवाइड बाय 5, और इधर भी डिवाइड बाय 5 किया ठीक है ओके। यहां से 1 की वैल्यू आ गई 200, और 100 की आपकी कितनी आ जाएगी 20,000 आ जाएगी ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि रेशियो निकालना है नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स दैट ऑफ अनसक्सेसफुल स्टार्टअप्स। अब आप चेक करो क्या किस सेक्टर में, फिनटेक सेक्टर में ठीक है। तो फिनटेक सेक्टर आपको ये दिखाई देगा, और इधर ये वाला है, तो ये 104 इधर है और 256 ये है। अब आप चेक करो तो यहाँ पर तो सिर्फ नंबर स्टार्टअप्स लिखा हुआ है, ना कि सक्सेसफुल ना अनसक्सेसफुल, लेकिन सक्सेसफुल यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब 256 में से सक्सेसफुल यहाँ आके और अनसक्सेसफुल आपको अलग निकालना पड़ेगा। तो अनसक्सेसफुल कैसे निकालेंगे, 256 माइनस 104 कर दो, ये अनसक्सेसफुल है और सक्सेसफुल यहाँ पर, एक मिनट, रेशियो उल्टा लिखना, तो सक्सेसफुल को ऊपर लिखेंगे ठीक है। सक्सेसफुल आपको 104 दिए हुए हैं, और अनसक्सेसफुल लोग कितने हो जाएंगे आप देखोगे तो 2, 5, 152, 104/152 निकालना हमने, क्या आ जाएगा, सिंपल सी चीज ये निकालनी है। तो कट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 8 से कट हो जाएगा, 8 1 8, हाँ 8 से कट हो जाएंगे दोनों, 8 1 8 और 8 3 24 राइट, और 8 से ये कट करेगा तो 8 1 8 और 8 निम्न 72, 13:19 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो 13:19 आपका क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, कंडीशन दी हुई है कि एस माइनस, आपको ये एस माइनस 2 8, और यहां पर एस माइनस 8 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये 8 कहां से आएगा, इसमें से आएगा, तो 12 + 8 कर दो। अब क्या करेंगे, इस 8 को इधर भेज देंगे तो एस के साथ माइनस 8 आ जाएगा ठीक है, देखो वो ही कंडीशन बनेगी राइट। इसका बोला क्यूब निकालना, तो क्यूब निकालने के लिए आपको बताया होगा कि अगर ये ए है तो क्या आ जाएगा, क्यूब, अगर उनको पर क्यूब है तो ए क्यूब 3 ए,
और इनके बीच में साइन किसका आएगा, अगर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो यह माइनस आ जाता। और ए अपना क्या है, ए 20 नहीं है, ए ए अपना 8 12 है, ठीक है, ए अपना 12 क्योंकि 8 उस तरफ हमने भेज दिया, तो ये आपका कितना आ जाएगा 12 का क्यूब प्लस 3 गुना 12, राइट। और 12 का क्यूब आपको पता होगा 17 28 होता है, प्लस 36 कर दो तो कितना आ जाएगा 17 64, आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वहां हमने क्यूब देखा था, यहाँ पर स्क्वेयर दिया हुआ, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए दिया हुआ, तो हम क्या निकालते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे, ए एंड जो आपका ए स्क्वेयर आया वो माइनस टू होगा, अगर उसमें हम दो को ऐड कर दें, ओके, और स्क्वेयर रूट निकाल लें तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। आपका क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, ये 98 में प्लस 2 को ऐड किया, इसका स्क्वेयर रूट कर दो कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वेयर रूट कितना आ जाएगा, 10, 10 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि दो पॉजिटिव नंबर है जिसका डिफरेंस ये है, ओके, जो बड़ी संख्या है वो डिवाइड हो रही है छोटी संख्या से, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, क्वेश्चन जो है वो 12 आया और रिमाइंडर जो है 13 आया, और सम ऑफ डिजिट ऑफ लार्जर नंबर, ठीक है। क्या बोला है कि बड़ी संख्या को हम जब छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब जो आपका डिविजर होगा, सॉरी डिविडेंट होगा वो कितना क्या होगा, एल लार्जर नंबर, ठीक है, और जो डिविडेंट होगा वो स्मॉलर नंबर होगा। क्वेश्चन कितना आया, 12 आया, राइट, और रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे कि जो एल है वो अपना कितने बराबर है, 12 एस, इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में 13 कर देंगे, ठीक है, राइट। अब बोला कि दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 39 51, एल माइनस एस का डिफरेंस ये आपका 39 51 दे रखा है, कंडीशन पुट कर दो, एल की जगह 12 एस प्लस 13 माइनस एस इज इक्वल टू 39 51, और ये आपका 11 एस हो जाएगा, और 13 को उधर भेज देंगे तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 13, ये आपका 11 में से 3 गए 8, और 4 में से 1 गए 3, ठीक है, और हो गया 9 और 3 हो गया, ठीक है। अब इसको 11 से कट करो तो 11 3 33, ओके, और 66 11 5 55, और 11 8, जो समोल संख्या है वो कितनी है, 358। लेकिन इस नंबर समोल का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो सम्मोल का सिर्फ मतलब क्या है कि इसमें हम वैल्यू पुट कर ले और आपका आंसर आ जाए लार्जर नंबर, तो 358 12 गुना 358 करो और प्लस में 13 करो, आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो करते हैं तो 12 8 आपका 100, सॉरी 12 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 96, हाँ 96 होता है, 12 8 12 5 60, और 12 3 आपका 36, और ये आपका 42, ठीक है, प्लस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 0 3 4, ये लार्जर नंबर आया। तो इनके डिजिट का सम, मतलब 4 का अलग प्लस में 3 अलग प्लस 0 अलग प्लस 9 अलग, इन सभी का सम करो तो 4 और 3 7 7 और 9 कितना आ जाएगा, 16, और 16 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये थोड़ा प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करें। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्या बोला कि परसेंटेज, ओके, बोला कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताना है अनिल का,
पावर और फ्यूल में, पावर और फ्यूल आपको ये दे रखा 15%। बोला कि अगर 100% कंप्लीट है तो 15% में कितना होगा, ठीक है, बटे 100 कर दो, परसेंटेज हटा देते हैं। और गुना में क्या करेंगे, एंगल निकालना। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्लीट कितने का होता है, 360 का, 360 से मल्टीप्लाई करा दो, बस कट कर दो 15 से, ये 5 दिए, 5 दो ही, और 2 से 18, 3 गुना 18 करोगे तो कितना आ जाएगा, 54। 54 आपका राइट एंगल, राइट आंसर होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि रीना, वीना और विमला काम कर रही अलग अलग। रीना कर रही है 4 और विम 8, ये टाइम है भाई 12, ठीक है। क्या बोला था हम पिछले पीछे कुछ क्वेश्चन पहले कि यहाँ पर अगर डे है, टाइम है, कुछ भी है, तो बीच में क्या आएगा, वर्क आएगा। और वर्क क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना है, 24, ठीक है। और अब आगे हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होगी, 24/4 कर दो 6 आ जाएगी, 8/24 कर दो 3 आ जाएगी, और 24/12 कर दो 2 आ जाएगी, ठीक है। अब बोला कि तीनों मिलकर कर रहे हैं, तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, एफिशिएंसी को एडिशन कर दो, एफिशिएंसी का ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 6 और 3 9 और 2 11, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 11, टोटल काम कितना, 24। तो सभी आप मिलजुल के करेंगे तो कितना करेंगे, एक बार में 11 और 24 काम कंप्लीट कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, दिन नहीं सॉरी टाइम है, आहर है, ठीक है, घंटे हैं, तो 11 दूनी, ठीक है, 22, और 2/11 आपका राइट आंसर हो जाएगा, लास्ट वन ऑप्शन, ठीक है। बोला है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालने हैं, राइट। अगर आपको टाइम लगता हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप क्या करो, 12 को चेक करो, 12 से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अगर फिर भी देखते हैं तो राइट, ये नहीं होगा, ठीक है भाई। और 3 से कर सकते हैं, हाँ भाई 3 से हो सकता है, लेकिन आप देखोगे कि 3 तो है, साथ में क्या है, 10 है, ठीक। इधर भी क्या है, 3 और 10 भी है, इधर क्या है, 3 गुना 10 है, तो 3 गुना 10, 3 गुना 10, ये आपका एचसीएफ आ जाएगा, और एचसीएफ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, तो आपका 30 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन करना हमने, ठीक है, तो 2 की पावर 3, पहले इसको सोल्व करेंगे, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 8 से 8 गया तो 1, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, 625 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 626 हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब अगर ये 4 हो जाए, ठीक है, और 4 से हम किसको करेंगे, ये आपका मल्टीपल हो जाएगा, तो 4 से सीधा इस पर अटैक करेंगे, तो 7, 7 और 7 49, ओके, 16 तो अंदर है, प्लस में 49, माइनस करेंगे, ये गुना इसके साथ है, ठीक है भाई। तो ये 144 कर लेते हैं, 144, तो 8 से ये कट करेंगे, तो 8 एक 8, 8 8 64, 18 8 144 होता है, और 18 स्क्वायर डिवाइड बाई 18 करेंगे, तो 18 से एक पावर कट जाएगी, तो यहाँ 18 आ जाएगा, सॉल्यूशन आपका खत्म हो चुका है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अंदर 16 माइनस 18 करेंगे माइनस 2, और -2 को 49 से कट करेंगे तो 47, 626 में से 47 गए तो कितना हो जाएगा, 16 में 7 गए 9, 11 में से 4 गए 7, और आपका 579 क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलेक्शन का क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझना। बोला कि इलेक्शन बिटवीन दो कैंडिडेट, 85% ऑफ वोटर, ओके। बोला कि टू कैंडिडेट हैं और 85% वोट आई हैं, ठीक है, जिसमें से क्या हो गया, 4% जो है वो इनवैलिड हो गई, मतलब मानी नहीं गई, ठीक है। अगर 4% वोट वोट मानी नहीं गई,
और कैंडिडेट को क्या मिले हैं इतने वोट, ये कैंडिडेट को ओके, और जिस जो कि 85% है वैलिड वोट का। एक मिनट, क्या बोल दिया इसने? चलो एक आराम आराम से सॉल्व करते हैं, क्या पता हिंट मिल जाए। 85% टोटल वोट हैं आपके पास, ठीक है, राइट। जो कह रहा है क्या 4%, इसकी 4% इनवैलिड हो गए, तो 4% इनवैलिड हो गए तो टोटल कितना हो, 81.6% हुआ। क्योंकि 85 का अगर इनवैलिड तो माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 85 का 4% मैं यहां पर रफ काम कर रहा हूं, तो 4% क्या होता है 85 का, तो आप चेक कर लो, 0 और 4 कितना हो जाएगा, 4 8 32 और 32 और 2 34, तो 3.4 होता है। बस वही कि 85 में से 3.4 माइनस किया तो 81.6% आपका आंसर आ गया, राइट। अब क्या बोला है, अगर 4% इनवैलिड वोट हैं और सिलेक्टेड को 6936 वोट मिले हैं, ओके, तो आप एक बात समझना क्या कि ये वोट तो उसको मिले हैं, लेकिन मिलने के बाद क्या होता है, कई बार वोट क्या होते हैं मैच नहीं कर होते तो वो इनवैलिड में चले जाते हैं, राइट। तो ये वोट तो इसको मिले हैं, राइट, तो 85% किसके बराबर हो जाएगा, 6936 के बराबर हो जाएगा। अगर 17 से आप कट करोगे, 17 से डिवाइड करोगे तो 17 5 85, 17 4 68, 130 1 36, 17 8 136 हो जाएगा। मतलब 5% जो वो आपकी वोट कितने बराबर, 408 के बराबर है, राइट। और इधर से हम 100% वोट करते हैं, तो 100% वोट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20 से मल्टीप्लाई किया है, 20 से मल्टीप्लाई किया है इस साइड, और उस साइड भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 16 और 2 4 8, ठीक, 8160 आया, ठीक है। और ये 8160 क्या है, ये मत लगाना कि टोटल हमने टोटल नंबर ऑफ वोट निकाली, नहीं, टोटल नंबर ऑफ वोट नहीं निकाली हमने, क्या निकाला है, इनवैलिड वोट निकाली है। समझाता हूँ कैसे, सॉरी भाई ये थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर जो हम एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, आप ये जो आपकी ये क्या है, वैलिड वोट है, ठीक है, क्योंकि इनवैलिड वोट तो हमने माइनस कर दी तो वैलिड वोट आएंगे, ठीक है। यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान से नहीं दिया मैंने, तो ये वैलिड वोट है, ठीक है। और यहां से जो 85% तो वोट ये वाली है, राइट, लेकिन हमने क्या निकालना था, वैलिड वोट निकालनी थी, वैलिड वोट 100% निकाला, तो जो 81.6% है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, आप देखोगे तो 8160 आ गई, राइट। अगर 8160 तो आप देखोगे कितने से मल्टीप्लाई किया होगा आपने इसको, 100 से तो मल्टीप्लाई किया होगा, 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, तो अब हमें क्या चेक करना, टोटल नंबर ऑफ वोट। 85% तो वोट तो दी गई है, ठीक है, लेकिन 15% वोट नहीं दी गई। अगर 85% वोट दी गई है तो टोटल की वोट कितनी थी, 100% कंप्लीट। ये 100% अपना वैलिड वोट का है, ठीक है, वैलिड वोट का, ठीक है। आप इसको टोटल नंबर मत मान लें, ये टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने होंगे, तो 100% है, तो 81.6% अगर 8160 है मल्टीप्लाई किससे की, 100 से की, तो यहाँ पर भी हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 10,000 आपका राइट आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो ये फिर आपका वोटर्स आ गए, बोला कि इलेक्शन दो कैंडिडेट के बीच में हुआ, एक कैंडिडेट को 60% वोट मिली वैलिड वोट का, तो मेजोरिटी कितनी, मेजोरिटी जो 180 है, मतलब 180 से वो क्या हुआ, जीत गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट हमें सब बताने हैं, ओके। तो देखो देखो इसने कुछ कंडीशन नहीं दे रखी कि इनवैलिड वोट कितनी है, राइट,
या फिर दिए नहीं किसी ने, दिए नहीं किसी ने, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं दे रखी, तो हमें इस चीज को ज्यादा सोचना नहीं। तो हमें इस सब ये देखना है कि अगर 100% टोटल वोट है, उसमें से 60% को क्या कौन ले गया, विनर ले गया, ठीक है, और 40% बाकी कौन ले जाएगा, लूजर ले जाएगा, ठीक है। कितना डिफरेंस है, 20% का, ठीक है। तो 20% का मेजोरिटी है, तो इसका मतलब अपने क्वेश्चन में कितने के दे रखे, 180। तो यहाँ पर 20% की वैल्यू कितनी दे रखी, 180, और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, राइट। 100% हमें निकालना है, 100% को 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 गुना 100, 9000। सिंपल सा क्वेश्चन, सॉरी 90 नहीं आएगा भाई, 9 आएगा यहाँ, ठीक है। 900 वोट आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक ट्रेन दो आदमी को क्रॉस कर रही है, जिसकी 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर स्पीड है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 12 सेकंड और 14 सेकंड, मतलब दोनों को अलग अलग टाइम में ये कवर कर रही है, तो स्पीड निकालनी क्या होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेता हूं मैं एक्स, राइट। तो इनका क्या करेंगे, रेशियो आप फाइंड आउट कर लेंगे। रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस होगी कुछ भी, तो डिस्टेंस, क्योंकि टाइम जब निकालेंगे तो डिस्टेंस से तो निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में जा रही है, रिलेटिव स्पीड क्या बताया, सेम डायरेक्शन में, एक्स माइनस वाई, राइट। अगर ट्रेन की एक्स है तो 1 की 4 है, -4 कर दो, और इसका टाइम जो है वो 12 है, राइट। दूसरे का आप चेक करोगे तो डी अपॉन ट्रेन की स्पीड एक्स -6, और इसको कितनी देर में कर रही, 14। ये दोनों अलग अलग सोल्व करने हैं, ठीक है, साथ सोल्व नहीं करने हैं, राइट। तो इसका हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब रेशियो में लेते हैं इस क्वेश्चन को, या आप रेशियो में भी नहीं लेना चाहो तो आप क्या करो, यहां से डी की वैल्यू कितनी आई, यहां से डी की वैल्यू आपकी आई 12x-48। सेकेंड डी की वैल्यू कितनी आई, 14x-40 × 6 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, राइट, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल है तो हम इन दोनों को भी क्या करेंगे, इक्वल बना लेते हैं, राइट। 84 को इधर ले आएंगे, 12x को उधर भेज देंगे, तो 84-48 कितना हो जाएगा, 6, और 7 में 8 4 गए 3 और 2x, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से कट करो तो 18, तो 18 आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इस तरह इससे भी सॉल्व करते तो बात वही थी, टेंशन मत लेना, चीज वही थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, 35, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, तो ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं थे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।